सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी कब तक होगी, इसकी जानकारी आप सभी लोग चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की आखिर में डिलीवरी कब दी जाएगी। हालांकि जब से इसको लॉन्च किया गया है 2021 में 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अभी तक इसके एक भी स्कूटर डिलीवर नहीं हुए हैं। कंपनी केवल टाइम टू टाइम यही बताती रही है कि इस महीने में डिलीवरी दी जाएगी, उस महीने में दी जाएगी, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं दी गई है। हालांकि टेस्ट राइड कुछ टाइम पहले इसका दिया गया था। इसके साथ ही एक न्यूज और भी निकल के आ रही है कि इसकी जो प्राइस है पहले से थोड़ी सी बढ़ने वाली है, यानी कि थोड़े से झटके और भी लगने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जो पहले से प्री बुकिंग कराए हैं उनको उसी प्राइस मिलेगा या फिर उनके लिए भी ये प्राइस बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी कब दी जाएगी, तो जो अभी न्यूज निकल के आ रहा है कि अप्रैल के अंत तक इसकी पहली डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी, और पहले इसकी डिलीवरी बेंगलोर से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि बेंगलोर में जो लोग इसका प्री बुकिंग पहले कराए होंगे उनको पहले ये डिलीवरी की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया भर में इसको डिलीवर किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है पहले से बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, इसमें कुछ चेंज भी किए जाएंगे जिसकी वजह से इसके डिलीवरी में और भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके साथ ही इसको ज्यादा सेफ स्कूटर बनाया जा रहा है ताकि ये मार्केट में आए तो ज्यादा वहाँ पे दिक्कतें ना पैदा करे, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी लग रही है। बाकी अप्रैल के एंड तक कंपनी बता रही है कि इसकी डिलीवरी दी जाएगी, स्टार्ट की जाएगी, और जो प्राइस बढ़ने वाली है पहले से इसकी प्राइस एक्स रूम 1,10,000 रुपए तक दी, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ के 1,25,000 भी हो सकती है और 1,45,000 भी हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट प्राइस कितनी बढ़ने वाली है इसकी भी जानकारी आपको अगले वीडियो में जब भी ऑफिशियल तरीके से आएगा आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इस स्कूटर को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, इसके मेन रीजन है बस इसका रेंज। इस स्कूटर में आपको 4.8 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फिक्स बैटरी मिल जाती है और एक रिमूवेबल बैटरी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसमें इको मोड में 203 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिल जाती है। इसके रेंज की वजह से और इसकी जो लुक है इसके वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके साथ इसको काफी अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च भी किया गया था, तो इन्हीं 3-4 वजह से इसको अभी इतना पसंद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग डिसअपॉइंट भी इससे हुए हैं। तो क्या आपने भी इसका प्री बुकिंग करा रखा है और लंबे समय से अभी तक आप वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस स्कूटर में फीचर्स क्या मिलते हैं आप काफी सारे वीडियोस में देख चुके होंगे। 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, रिवर्स मोड भी दिया गया है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इस स्कूटर के 1,00,000 से भी ज्यादा स्कूटर प्री बुकिंग में चल रहे हैं, तो देखने वाली बात है कब से कंपनी किस डेट से स्टार्ट कर रही है इसकी डिलीवरी। अभी तो न्यूज निकल के आ रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से वीडियो में एक अच्छी जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।